हम जहांगीर के मकबरे के पास रहते थे। वो रहा मकबरा मेरा ख्याल है। इनका क्या मकसद था बनाने का उस वक्त में बड़े समीर पाको इनका इकट्ठा होता था आज से 400 साल पहले की बात। तो मुगलों ने ये सबसे बड़ी सराय बनाई थी। कई किसी मुल्क से किसी शहर से कोई मेहमान आता था यहाँ पे बादशाह का मेहमान बन के रात किसी भी रहता था। और इसमें खास ये है कि लाहौर से ये 300 मीटर सफर आ जाता है। लाहौर के 12 दरवाजे थे सारे जमाने में, पार्टी गेट, मोती गेट, दिल्ली गेट, ऐसे मशहूर 12 दरवाजे थे। कहते हैं कि ये सूरज ग्रूब होने से आधा घंटे पहले वो लाहौर के 12 दरवाजे बंद हो गए। तो कोई मेहमान सर आ जाता था लाहौर से बाहर रह जाता था, यहाँ पे आके बादशाह का मेहमान बन के रात से गुजारता था। जब दिन चढ़ता था लाहौर के दरवाजे खुल जाते थे, फिर लाहौर में दाखिल हो जाता था। ये 180 कमरे मुसाफरों मुलाजमों ने बनाए थे। इसके बाद अकबरी सराय जी सारी असल है, ओरिजिनल है, इसमें कोई चीज़ ही नहीं चेंज नहीं किया गया। और इसमें आप ये देख रहे हैं ये प्लेटफार्म बने हुए हैं, अंदर भी हैं बाहर भी। यहाँ पर इसके अंदर तस्वीरें बनी थी। इसके अंदर तस्वीरें हुआ करती थी, मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। ये आप देख लें, ये अभी तक ओरिजिनल अपनी कंडीशन में है सारा का सारा। बोलते हैं वो पीस के इसके अंदर मिट्टी के बना के इसको उसके साथ बनाया जाता है। इस दीवार की इतनी थी चार दीवारें चौड़ाई है इसकी, आप ये देखें तकरीबन 2-3-4 फुट है ये दीवारों की, 4-6 फुट चौड़ाई है इसकी। और जितनी ये ऊपर है इतनी ये जमीन के नीचे है। इसको पानी वाले कुएं हैं, पहले थोड़े टिंडों वाली बोतियाँ होती थी और जो नहर बनी है ये अंडरग्राउंड इसके नीचे तैर है। ये पानी चलता था ये नहर में, 1-2-3-4 प्लॉट है। इसको आप देखें चमक रहा है ना आँख के साथ। अगर इसके ऊपर हम खट्टी नहीं मारता लगाएं ये शायद ये मुगल आर्ट, मुगल आर्ट सारी ये देखें आप ज़्यादा सारे में आप इसको लकड़ी के अंदर सुहा करके इसको कुंडी को लगाया हुआ है और इधर फिट किया। ये देखें ये भी रिजनल और इसकी कुंडी टूट गई है। ये देखें ये भी इधर से ये देखें सुराख है इसके अंदर से। ये देखें जी अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं खिड़की संगे मरमर के अंदर और संगे मरमर के साथ अल्लाह के नाम लिखे गए हैं। उधर भी अल्लाह के नाम दो हैं और इधर भी अल्लाह के नाम है। और ये जितना सारा काम आप देख रहे हैं ये कलर नजर आ रहे हैं, ये स्टोन पेंट नहीं है, ये सारा स्टोन है। ये 5-6 किस्म के कलर के स्टोन है, इसको काट के बना के कमान के साथ इसके अंदर फिट किए गए हैं। उस ज़माने में बिजली मशीन ही थी, कमान के साथ चलाते थे मटने के साथ। इस तरफ सारा स्टोन का काम है, अगली शहर पे आप जाएंगे तो पेंटिंग है। ऊपर जाने का रास्ता है, हाँ ऊपर से रास्ता है वो बंद है। और इसमें ये चीज़ है ये आपको ये बड़ा वाला मैं दरवाज़ा था तो इसको फिर कहते हैं डाक बंगला, फिर पोस्ट ऑफिस यहाँ पे खत वगैरह जो उनका मैसेज आता था। ये क्या किस लिए यूज़ होती थी बिल्डिंग? ये सर दाखिल होने का गेट भी है। कौन सा गेट में यूज? यहाँ के बाग में दाखिल होने का गेट है। फिर ये डाक बंगला भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे उनका खत वगैरह आता था, कोई भी पैगाम मैसेज आता था यहाँ पे आता था। और लाहौर शाही किले में इनकी रिहाइश थी, जो शीश महल शाही किला है वहाँ पे मुगल रहते थे। जब भी बड़े संगीर इंडिया से या कहीं से आते थे वहाँ पर इनका महल था शीश महल जिसको शाही किला कहते थे। तो यहाँ से लेके वो Thank you.
बहुत बड़ा गेट है यार। और ये पुंडे देखिए, इसके अंदर देखें जोड़ नहीं आपको मिलेगा, तीन पीस हैं। कैसे उन्होंने इसको फिट किया है, पिघा के गर्म करके इसको में फिट कर दिया। जब बादशाह आते थे ये घेर को इस्तेमाल करते थे, ये उन्होंने छोटी खिड़की रखी है, जो मैदान में ये खिड़की को इस्तेमाल जी सर, आप इसको बंद कर दिए और जब सर्फ स्टोन का काम है और इस तरफ उन्होंने पेंट किया था, फैक्सो पेंट था। यहाँ पे मीनाकारी की गई है, देखे ना पूरे पूरे पौधे, दरख्तों के पौधे बने गए पूरे पूरे। यहाँ पे खूबसूरत तस्वीरें थी एलिफेंट की, कबूतरों की, जानवरों की तस्वीरें पेंटिंग की गई, जो खत्ता हो गया। अब आप दिलकुशा बाग में रहें, अब हम दिलकुशा बाग में आ गए हैं। ये मलका नूरजहां का दिलकुशा बाग था। मलका नूरजहां जब भी बाग में आती थी, दिल को खुश करके यहाँ से जाती थी। और ये आ गए हैं, इतना ये संगना और गहरा बाग था, कहते हैं कि ये दिन को सूरज में नज़र नहीं आता था, ये इतना घना था। यहाँ पे दुनिया का हर फलों को मिलता था खाने को। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी में, सर्दी का तो सर्दी में फल, दुनिया का हर फल यहाँ पर मौजूद था। लेकिन वो सारा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, पौधे टूट गए हैं, जिसमें अभी ये आम और जाम और खजूर है। लेकिन ये कुछ ये खजूरें पुरानी हैं, बाकी बाद में दरख्त लगे हैं। इसमें कोई उस ज़माने का खजूरें पुरानी है, हाँ ये काफ़ी पुरानी, कोई अंग्रेज़ों के वक़्त, कोई मुगलों के वक़्त। अच्छा, इसलिए बाकी इधर एक बोर का दरख्त और पीपल का सिंबल का दरख्त है, वो आप देख रहे हैं सामने, वो शाहजहां जंगीर का दरख्त है और जंगीर अकबर का दरख्त। और इसने बनाया मुमताज़ के लिए ताजमहल, जो दुनिया के सातवें अजूबे में आया था खूबसूरती में। और उसके बाद ये खूबसूरती मकबरा जंगीर है एक नंबर पर, लेकिन ये अजूबे में नहीं, ये भी शाहजहां ने बनाया, वो भी शाहजहां। और सेंटर में पानी वाला फुहारा फुहारा नजर आ रहा है सर, ये जब बराबर के आया था ना, सुराख से पानी निकलता था, तो यहाँ से पानी जब निकलता था इसके ऊपर जब पानी गिरता था, ऐसे महसूस होता छोटे छोटे सफ़ेद मोती गिर रहे हैं। और इसमें पानी ऐसे ईजी हो गया, ये खूबसूरत सीन भी बन जाता था, ऐसे पानी फैल जाता था, ऐसे चौ साइड पर पानी नहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मकड़ी का जाल बिछा हुआ, जैसे जैसे वो जाल बिछाती है ना, ये 400 साल पुराना मुगलों का डिज़ाइन है, आप देखिए इस कट में मकड़ी का जाल है, सारा 400 साल पुराना मुगल है, लेकिन वो 1999 में नया लगता है, ये ओरिजिनल है, ये ये जो दरवाज़ा आप लोग देख रहे हैं, ये दरवाज़ा, ये इसके अंदर ये बना है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, और ये देखिए संगमरमर की चूड़ के अंदर इसको फिट किया गया, आप देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, और ये देखिए इसको वहीं ऐसे के पार्क के अंदर सर आ जाए, ये इनका नाम लिखा हुआ है, तो सीमत राम का प्लेट है, और दूर सर अल्लाह तला के 99 में नाम है, और भी लिखा हुआ है नूरुद्दीन मोहम्मद जंगीर बादशाह, ये फी बादशाह लिखा हुआ है, 1037 लिखा हुआ है, 1037 ये हिजरी फारसी में लिखा हुआ है, इन्होंने 400 साल बन गए। और इसमें खास ये है कि सर ये संगे मरमर को काट के, संगे मूसा पत्थर को काट के बना के इसके स्टोन के साथ मोबाइल के ऊपर है, और इसके अंदर हर किस्म का ये पल पल है, ये देखिए इसका अपना कलर दे रहा है, और इसके अंदर ये भी चीज़ है, देखिए इसके ऊपर क्या लागत आई थी, 10 लाख रुपए, ये 10 साल लगे थे बनाने में, उस वक्त इसके ऊपर 10 लाख। और ये कौन सा स्थान था, ये 1937 और 1627 में बनना शुरू हुआ था, और 1037 में मुकम्मल हुआ था, 10 साल के लिए।
15 कमरे हैं, लेकिन ये टोटल 14 रूम है, तो सेगमेंट ज़्यादा कम है, 4 ही कमरे हैं। इनका क्या मकसद आप बिल्कुल सुनाना है हमारे को, ये पहचान के प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं आपके लिए ख़त्म तो आते हैं 20 कमरे, उस वक्त में शायद आने 40 कमरे में आए, 40 साथ से कुरान, हर कमरे में एक काम से कुरान करता था और रात दिन 24 घंटे बाद से वक्त के लिए तलाब से कुरान पढ़ते हैं, इसको कहते हैं हम मकतब खाने में, मतलब कि हाँ उस ज़माने में 40 साथ से कुरान पढ़ते 40 दिन फातह, इसलिए